वो कहते हैं ना कि जब आप जिंदगी में सक्सेस पाते हैं, सफलता की सीढ़ियां चढ़ते रहते हैं, तब आपको बहुत ज्यादा किसी की जरूरत नहीं पड़ती है। लेकिन जैसे ही आप फ्लॉप होने लगते हैं, फेल होने लगते हैं और आपके दिन अच्छे नहीं चलते हैं, तब आपको बहुत सारे लोगों से मिलना पड़ता है, आपकी नेटवर्किंग को अच्छा करना पड़ता है। और यही चीज आमिर खान कर रहे हैं। लाल सिंह चड्ढा जब से बुरी तरह से फ्लॉप हुई है, आमिर खान की बहुत ज्यादा किरकिरी हुई है। और उसके बाद से जो आमिर खान किसी बॉलीवुड के अवार्ड शो में नहीं जाते थे, पार्टियों में नहीं जाते थे, किसी अवार्ड फंक्शन में नहीं जाते थे, वही आमिर खान अब हर जगह दिखाई पड़ रहे हैं। मतलब किसी का मुंडन कार्यक्रम हो तो वहां पे भी पहुंच जाते हैं, पूजा पाठ हो तो वहां पर पहुंच जा रहे हैं, बर्थडे पार्टी हो तो वहां पर भी पहुंच जाते हैं। तो एक सेलिब्रिटी फोटोग्राफर हैं, उनके बर्थडे पार्टी में पहुंचे हुए थे और वहां से निकल रहे थे तो आमिर खान जो है वो शराब के नशे में धुत नजर आ रहे थे, ऐसा लोग आरोप लगा रहे हैं। हम क्यों कहें कि आमिर खान ने शराब पिया है, जो लोग बोल रहे हैं हम वही कहेंगे। तो आमिर खान के ऊपर शराब पीने का आरोप लगाया जा रहा है और कह रहे हैं कि शराब पीकर लड़खड़ाते हुए गिरते हुए नजर आए। वो वीडियो भी बहुत सारी सोशल मीडिया पर तैर रही है। तो कुछ लोगों ने कहा कि भाई ये तो एकदम पक्का वाला बेवड़ा बन गया। किसी ने कहा कि भैया इस्लाम में शराब पीना हराम है, लेकिन आमिर खान तो शराब पी रहे हैं, तो फिर ये तो मुस्लिम हुए नहीं किसी तरह से। मुस्लिम संगठन से ही कई सारे लोग आमिर खान को बोल रहे हैं कि तुम मुस्लिम होकर शराब पी रहे हो, ये अच्छी चीजें नहीं है, काफिरों के साथ रहोगे तो यही चीजें करोगे। तो तरह तरह के लोग हैं सोशल मीडिया पर, तरह तरह की अपनी राय रख रहे हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या आमिर खान ने वाकई शराब वगैरह पी थी, या फिर इतने डिप्रेशन में जा चुके हैं कि वो शराब पीने के आदी हो चुके हैं, इसलिए जब भी कहीं मौका मिलता है शराब पीने का तो आमिर खान पहुंच जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं, भैया हम नहीं कह रहे हैं।